नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 12 जनवरी 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो विश्व बैंक ने ये कहा है कि भारत की जो विकास दर होगी वह होगी 5%, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इससे पहले इन्होंने अनुमान किया था 6% का। अब यहीं पर हम लोग विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी में। यूएसए के डेविड मैल्पस इसके अध्यक्ष हैं और एमडी और सीएफओ इसकी है अंशुला कांत। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, अंशुला कांत सीएफओ है और इसकी सीईओ कौन थी? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, जो कि अब आईएमएफ की नई अध्यक्ष बन गई हैं। कल एसबीआई ने ये डिक्लेयर किया था कि हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वह 4.6% होगी। 5% भारत सरकार के एनएसओ ने भी कहा है और आरबीआई ने भी कहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वह होगी 5%। पाकिस्तान किस देश के साथ मिलकर समुद्र संरक्षक यानी कि सी गार्जियंस नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है पाकिस्तान का उसके परम मित्र देश चीन के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अरब सागर में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन कराया जा रहा है और ये 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास होगा। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान दो अन्य अभ्यास भी करते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है वैरियर और दूसरा है शाहीन, यानी कि कुल मिलाकर के इन दोनों देशों के बीच में 3 सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग नौसेना अभ्यास सी गार्जियन की बात करें तो ये इसका है 6ठा संस्करण। हालांकि इससे पहले जब ये अभ्यास होते थे तो इनका कोई नाम नहीं होता था, पहली बार इनका नाम रखा गया है समुद्र संरक्षक। तो याद रखिएगा ये किया जा रहा है अरब सागर में और इसके मद्देनजर भारत का जो INS विक्रमादित्य एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको भी तैनात कर दिया गया है अरब सागर में। जनवरी 2020 में एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसेना संस्करण ने INS विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है तेजस। तेजस एयरक्राफ्ट जो हमारे यहाँ पर है उसने अभी विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि तेजस का ये नौसेना संस्करण था, यानी कि नेवी के लिए इसको बनाया गया था और इसने सफल लैंडिंग यहाँ पर की है। तेजस की बात करें तो ये विश्व का सबसे छोटा और तेज लड़ाकू विमान है। इसे एरोनॉटिकल विकास एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मिलकर के बनाया गया है और इसमें जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है वह है एवियोनिक और ये यूज किया जाता है MiG-21 के स्थान पर। 2003 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसका नाम रखा गया था तेजस। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हमारी वायुसेना ने MiG-27 नाम का जो जहाज़ है जिसको बहादुर भी कहा जाता था, इसने अंतिम उड़ान भरी राजस्थान के जोधपुर से। विक्रमादित्य INS की बात हुई है जो कि हमारा एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा भारत दो अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है। कौन कौन से? एक तो आपका है जिसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत। और दूसरा है INS विशाल। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास में एक है, सबसे ज़्यादा दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर है USA के पास में, इनके पास में है टोटल 11। और चीन ने अभी अपना दूसरा बनाया है जिसका नाम क्या है? साडोंग है। और इससे पहले जो चीन का था एकमात्र, उसका नाम था लियोनिंग। क्या नाम था? लियोनिंग नाम था, जो कि चीन के पास पहले था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस समय ये न्यूज़ में रहे हैं। जनवरी 2020 में आवास व शहरी विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन चुने गए? तो ये यहाँ पर बने हैं, इनका नाम है यम नागराज। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आवास और शहरी विकास निगम को हम हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं और यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आवास और शहरी मामलों के हमारे मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या फिर आपको नीचे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपनी क्वेरी मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। 10 जनवरी 2020 को किसके द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है और 416 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, इससे अपने डेटा को जोड़ने के लिए 15 राज्यों ने अपनी सहमति भी दर्ज की है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ये आप देख सकते हैं गृह मंत्री के द्वारा उद्घाटन करते हुए। 11 जनवरी 2020 को जारी सर्वाधिक जनवृद्धि करने वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है केरल का मलप्पुरम शहर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि ये मलप्पुरम है, ना कि मामल्लपुरम है। मामल्लपुरम जो जगह है वह आपका है तमिलनाडु में, जहाँ पर भारत और चीन के बीच में दूसरी गैर औपचारिक वार्ता हुई थी। कहाँ पर भारत और चीन के बीच में दूसरी गैर औपचारिक वार्ता हुई थी? तो मलप्पुरम की बात करें तो ये आपको मिलेगा केरल में। संयुक्त राष्ट्र के डेटा के आधार पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और इन्होंने ये बताया कि 2015 से लेकर के 2020 के बीच में जो मामल्लपुरम शहर है केरल का, यहाँ की जनसंख्या में 44.1% की वृद्धि हुई। यानी कि आप इसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि 2014 में अगर 100 लोग रहे होंगे तो अब वह हो गए हैं 144। केरल के ही सारे शहर आपको इसमें मिलेंगे। तो कोझिकोड यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा है, कोल्लम 10वें स्थान पर है और त्रिशूर यहाँ पर रहा है 13वें स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग टॉप दो शहरों की बात करें तो एक है वियतनाम का कैंथो, क्या नाम है, वियतनाम का कैंथो शहर दूसरे स्थान पर है और चीन का सुकियन तीसरे स्थान पर रहा है। हाँ, कल के वीडियो में एक प्रॉब्लम हो गई थी कि कल बहुत सारे लोगों के कमेंट दिखाई नहीं दिए, कुल मिलाकर के 5 से 7 लोगों के ही कमेंट दिखाई दिए थे। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है मुझे पता नहीं चला। अगर आप में से किसी को इसके बारे में आइडिया हो तो वह कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल मात्र 5 से 7 लोगों का ही कमेंट नीचे दिखाई दिया। इवन मैंने भी अपना जो कमेंट किया था वह कमेंट भी उसमें दिखा नहीं रहा था। तो इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में अचीवर समूह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कितने राज्य शामिल हैं? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 राज्य शामिल हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के डेटा के आधार पर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, जो कि बिहार के आरा से सांसद हैं। साथ ही साथ ये नवी और नवीकरणीय ऊर्जा के भी मंत्री हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसे जारी किया गया ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था हेतु गठबंधन और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। 91 संकेतकों को यहाँ पर शामिल किया गया था। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे राज्य थे और जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उनके द्वारा जो भी ऊर्जा आपूर्ति की जाती है उसको 4 समूहों में बांटा गया था। एक था फ्रंट रनर, तो इसमें कोई राज्य नहीं रहा। अचीवर यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन रहे? हरियाणा, केरल और कर्नाटक। एस्पायरेंट राज्यों की श्रेणी जो कि खराब राज्यों की है, इसमें रहा मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और राजस्थान। कंटेंडर में बाकी अन्य राज्य शामिल थे। जनवरी 2020 में किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए माई एप्स नाम का एक ऐप लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। HDFC बैंक, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी, मुख्यालय इसका है मुंबई में, अध्यक्ष इसके हैं श्यामला गोपीनाथ और MD व CEO इसके हैं आदित्य पुरी। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने किस नाम से एक विश्व स्तरीय स्टील हब लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका नाम होगा पूर्वोदय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय उद्योग संघ के साथ में मिलकर के केंद्रीय इस्पात मंत्रालय इस विश्व स्तरीय स्टील हब का निर्माण करेगा और ये जो एकीकृत स्टील हब होगा, इससे हमारे जो पूर्वी भारत के राज्य हैं उनका विकास किया जाएगा। भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक हम कुल मिलाकर के 300 मिलियन मैट्रिक टन स्टील का उत्पादन करेंगे। यानी कि 300 मैट्रिक टन स्टील का उत्पादन करेंगे, ये भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है और इसके लिए स्टील हब के माध्यम से स्टील क्लस्टर का भी निर्माण किया जाएगा और भारत सरकार ने 12 स्टील जोन को भी यहाँ पर चिन्हित किया है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस्पात मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। 5वें पल्स कॉन्क्लेव यानी कि दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन
किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के लोनावला में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 12 से 14 फरवरी 2020 को इसका आयोजन किया जाएगा भारतीय दाल व अनाज संगठन के द्वारा। दालों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारे देश के सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है, और अगर हम लोग विश्व स्तर पर बात करें तो भारत दालों के उत्पादन में छठे स्थान पर है, न केवल उत्पादन में बल्कि उपभोग करने में भी। जनवरी 2020 में पहली बार किस राज्य में LGBT समुदाय के लिए राज्य स्तरीय अदालत का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर जो राज्य स्तरीय अदालत है इसका आयोजन किया गया केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो आयोजन था केरल युवा आयोग के द्वारा किया गया, और इस राज्य स्तरीय अदालत में मुख्य रूप से किन्नर समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याओं के ऊपर बातचीत की, और जो भी उनकी समस्याएं थीं उनका त्वरित निवारण भी किया गया, और CAA के संबंध में विरोध में बिल पास करने वाला पहला राज्य है केरल। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आयोजन 12 से 16 जनवरी तक होगा। युवा और खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा यूपी सरकार के साथ में मिलकर के 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, और आपको यहां पर यह बताना है कि इस बार विश्व युवा दिवस कब था, यानी कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या रही, ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किस राज्य में पहली बार हिम तेंदुआ यानी कि जो हमारा स्नो लेपर्ड होता है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये सर्वेक्षण कंडक्ट कराएगा उत्तराखंड राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ITBP के साथ में मिलकर के यह जो सर्वेक्षण है इसे कंडक्ट करवाएगी उत्तराखंड की सरकार। और ITBP की बात हुई है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि SS देसवाल जो कि ITBP के महानिदेशक हैं, इनको कार्यभार मिला है CRPF के महानिदेशक का भी, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, क्योंकि जो राजीव राय भटनागर जी थे वह इस समय सेवानिवृत्त हो गए हैं और वह बन गए हैं सलाहकार किसके, जो हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके वे तीसरे सलाहकार बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम हिम तेंदुआ की बात करें तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसकी प्राप्ति होती है। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया और ये IUCN की रेड लिस्ट में भेद सूची में शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं हिम तेंदुआ को, जो कि राजकीय पशु है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। एक हमारा होता है क्लाउडेड लेपर्ड, ये कहाँ का है, ये है आपका मेघालय का। जनवरी 2020 में महिला वर्ग में 7वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है यहाँ पर लद्दाख की टीम ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आयोजन किया गया लेह में और कुल मिलाकर के 4 टीमें शामिल हुई थी। कौन कौन सी थी? महाराष्ट्र, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। फाइनल मुकाबला खेला गया दिल्ली और लद्दाख के बीच में, जिसमें लद्दाख की महिला टीम ने दिल्ली को 2-1 से हरा दिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वार्षिक अपराध रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2017 से 18 के बीच अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है यहाँ पर 1.3% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको कुछ डेटा ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम लोग अपराधों की सर्वाधिक वृद्धि की बात करते हैं तो वह रही उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र इस सूची में रहा दूसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल रहा तीसरे स्थान पर। सुसाइड यानी कि आत्महत्या के संबंध में भी रिपोर्ट जारी की गई तो इसमें महाराष्ट्र रहा पहले स्थान पे, तमिलनाडु रहा दूसरे और पश्चिम बंगाल रहा तीसरे स्थान पे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अपराध दर सबसे ज़्यादा कहाँ रही, यानी कि प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पे सबसे ज़्यादा अपराध की दर कहाँ पर है, तो ये है केरल पर। महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध की दर की बात करें तो ये रहा कहाँ पर, असम में। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल आपको इसमें गलती नहीं करनी है। तमिलनाडु के किस मंदिर में प्रसिद्ध रथ उत्सव की शुरुआत हुई है? तो ये जो चैरियट फेस्टिवल है इसकी शुरुआत हुई है सुसिंद्रम थानुमलायम मंदिर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सुसिंद्रम थानुमलायम मंदिर की, तो यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है और ये भगवान शिव और विष्णु दोनों का मंदिर है। वहीं पर जो मुर्गन मंदिर है कहाँ का, तमिलनाडु का, इसके प्रसाद पंचमीर्थम को GI टैग दिया गया था 2019 में। जनवरी 2020 में
कौन सा राज्य माई जीओवी पोर्टल को शुरू करने वाला देश का 11वां राज्य बना है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था कि माई जीओवी पोर्टल पे जो यूजर की संख्या है वो पहुंच चुकी है 1 करोड़ के पार, और अब इस पोर्टल को शुरू करने वाला 11वां राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, और यहाँ पर सीएम के द्वारा इसके संदर्भ में ऐप भी जारी किया गया। माई जीओवी पोर्टल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से एक मंच होता है जिसके माध्यम से सरकार लोगों से कनेक्ट होती है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा एक नए लोगों को अपनाया गया? तो ये जो नया लोगो है इसे अपनाया गया है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लोगो आपके सामने है जिसमें इसका राजकीय पुष्प भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑर्चिड का पुष्प यहाँ पर है, और ये राज्य की विशिष्ट पहचान और संस्कृति को दर्शाते हुए इसे जारी किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई, यानी कि अब हमारे देश में जो CAA है वह लागू कर दिया गया है, और ये डेट थी 10 जनवरी 2020 की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसके संबंध में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आता है और वह 6 अल्पसंख्यक समुदायों में से है और वो कब आया है 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो उसको अब नागरिकता भारत में दे दी जाएगी। बिल के विरोध में किसने पास किया? विरोध में एक बिल पारित किया केरल राज्य ने। प्रवासियों को सूचीकरण करना प्रारंभ किया उत्तर प्रदेश ने, और इसके सपोर्ट में यानी कि गृह मंत्री और पीएम को कांग्रेट्स करते हुए एक रेजुलेशन पास किया है गुजरात राज्य की सरकार ने। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। जनवरी 2020 में अकबर पद्मसी का निधन हुआ, वह किसके रूप में जाने जाते थे? तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ललित कला अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, और ये थे महाराष्ट्र राज्य से। तो करंट अफेयर का सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। अब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था जो CPO का पेपर हुआ था 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, तो हम लोग इसके बारे में भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते क्या है? देखिए, जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है वह 5 तरीकों से किया जाता है। या तो कोयले से किया जाए, कोयले से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारे यहाँ पर लगभग 60%, या फिर गैस से, या फिर जो हमारे यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, या फिर विंड पावर से, और इसमें एक होता है नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि जिसमें हमारा कोई नाभिकीय यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका यूज किया जाता है, जैसे कि यूरेनियम हो गया। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए चाहिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं कोयले से, दूसरे नंबर पर है गैस, तीसरे नंबर पर है जल ऊर्जा, और चौथे नंबर पर है पवन ऊर्जा, और नाभिकीय ऊर्जा का स्थान यहाँ पर आता है 5वां, यानी कि हम 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से। वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर के 7 नाभिकीय संयंत्र संचालित हैं, और इन 7 नाभिकीय संयंत्रों में कुल मिलाकर के 22 नाभिकीय भट्टियां हैं। अब ये भट्टियां क्या हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। भारत में जो भी हमारे ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं यानी कि पावर स्टेशन होते हैं, इनको संचालित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का गठन किया गया है जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इन सभी परमाणु भट्टियों का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है जो कि स्थित है मुंबई में। अब आइए इन 7ों के बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तारापुर, जो कि भारत का सबसे पहला पावर स्टेशन है। ये आपको ध्यान रखना है 28 अक्टूबर 1969 में ये शुरू हुआ था, और इसे भारत ने USA के सहयोग से बनाया था। किसके सहयोग से? USA के सहयोग से बनाया था। अब मैंने आपको ये बताया शुरुआत में कि हमारे यहाँ पर 7 तो ऊर्जा संयंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर भट्टियों की संख्या है 222। कैसे? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तारापुर की, तो यहाँ पर कुल आपको मिलेंगी 4 भट्टियाँ। यहाँ पर 2 तो आपकी हैं 160 मेगावाट की, और 2 आपकी हैं 540 मेगावाट की, तो इसी में आप देखते हैं 4 हो गए। इसके बाद में अगला है राजस्थान पावर स्टेशन, जो कि आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ जिले में। 16 दिसंबर 1973 से ये संचालित हुआ था, और इसे बनाया था भारत ने कनाडा के सहयोग से। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर कुल आपको मिला करके 6 भट्टियाँ मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो है 100 मेगावाट की एक भट्टी, दूसरी है 200 मेगावाट की, और 220 मेगावाट की यहाँ पर आपको 4 भट्टियाँ मिलेंगी।
आगे हम बात करेंगे नरोरा पावर स्टेशन, जो कि है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। नाम आपको याद रखना है कि कौन सा किस राज्य में स्थित है। 1991 में इसका जो पहला यूनिट है वह शुरू हुआ था और 1992 में इसका दूसरा यूनिट शुरू हुआ था। और इसमें भी आपको दो भट्टियां मिलेंगी, एक तो है इसमें 220 मेगावाट की और दूसरी भी है इसमें 220 मेगावाट की। डिटेल में इन सब के बारे में ऐप पे आपको एक से दो दिन के अंदर पूरा डिटेल मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मद्रास पावर स्टेशन की, जो कि है तमिलनाडु के कलपक्कम में। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत का पहला स्वदेशी था, यानी कि इसमें भारत ने किसी देश की मदद नहीं ली थी। तो भारत का अगर पहला पूछा जाए तो वो है तारापुर महाराष्ट्र का, लेकिन अगर स्वदेशी वाला पूछा जाए तो वह आपका है कलपक्कम, जो कि है तमिलनाडु में। 24 जनवरी 1994 से यह संचालित होना शुरू हुआ था। इसमें भी आपको चार भट्टियां मिलेंगी, दो तो हैं 235 मेगावाट की और दो इसमें है 6000 मेगावाट की। आगे हम बात करेंगे कुडनकुलम पावर स्टेशन की, जो कि आपको मिलेगा तिरुनवेली तमिलनाडु में। अक्टूबर 2003 से ये संचालित होना, 2013 से ये प्रारंभ हुआ। इसमें भी आपको चार भट्टियां मिलेंगी, दो तो हैं 1000 मेगावाट की और दो 1000 मेगावाट की हैं जो कि प्लानिंग की गई है, अभी ये चालू नहीं हुई है। और इसे हमने बनाया था एटम स्ट्रॉय एक्सपोर्ट, जो कि कंपनी है रूस की, इसके सहयोग से हमने बनाया था। छठा आपका है काकरा पावर स्टेशन, जो कि है गुजरात के तापी में। कहाँ पर है? गुजरात के तापी में। 6 मई 1993 को यह संचालित हुआ था। इसमें भी आपको चार भट्टियां मिलेंगी, 220 वाट की, 220 मेगावाट की दो हैं और 700 मेगावाट की भी इसमें दो है। और आखिरी है कैगा पावर स्टेशन, जो कि आपको मिलेगा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में। और ये संचालित हुआ था नवंबर 2000 से और इसमें आपको चार भट्टियां मिलेंगी, 220 मेगावाट की ये चारों भट्टियां हैं। तो ये हमने वर्तमान में जो संचालित हैं, कुछ प्रपोज्ड भी हैं, उनके बारे में हम कल के वीडियो में या किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। अब चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था, भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है किस राज्य में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है, तो वह आपका होगा मध्य प्रदेश। लेकिन जो 2019 में रिपोर्ट आई, इसमें ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रों की वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर इसमें है केरल। इसके बारे में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया कि हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है, इसमें ये टोटल है 21.67%। लेकिन अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर को और फिर जो हमारे यहाँ पर ट्री हैं उनके कवर को मिला लेते हैं, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 24.56। कितना? 24.56। और टारगेट कितना है? 33% का। तो दोनों में आपको याद रखना है, फॉरेस्ट कवर की बात की जाएगी केवल तो यह है 21.67%, और अगर आपसे बात की जाएगी फॉरेस्ट के साथ साथ ट्री कवर की तो यह है 24.56%। 5 दिसंबर को किस राज्य द्वारा मधुमक्खी दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया नागालैंड के द्वारा। इसरो द्वारा किस शहर में स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी NIT तिरुचिरापल्ली में। उत्तर प्रदेश द्वारा रक्षा उद्योग के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी व स्टाम्प शुल्क की माफी की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है कि 25% सब्सिडी दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अगर कोई यहाँ पर रक्षा उद्योग लगाता है, और पूर्ण स्टाम्प शुल्क फ्री होगा, यानी कि 100% स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर नहीं ली जाएगी। किन संगठनों ने वर्ष 2019 में 100वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, तीन ने मनाया है। एक तो है एसोचैम, यानी कि एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, तो इसने मनाया, जिसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं, क्या नाम है इनका? निरंजन हीरानंदनी। इसके साथ साथ फिक्की की भी बनी है संगीता रेड्डी। दूसरा आपका है ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसने भी अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। और फिर आपका है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और इसने भी अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वे अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 40 वर्ष जिनकी आयु हो, और 60 वर्ष के बाद में इनको
3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। हालांकि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनका जो भी स्पाउस होगा उसको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, आज के प्रश्नों का लेवल आप कह सकते हैं इजी है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय के सम्मेलन विश्व इज्तिमा की शुरुआत कहां पर हुई? अम्मा ओडी किस राज्य की योजना है? किस देश में 10,000 ऊंटों की हत्या की जाएगी 5 दिनों में? इसरो द्वारा कहां पर पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की गई? दृष्टिबाधित लोगों के लिए डैशबोर्ड स्थापित करने वाला भारत का 5वां स्टेशन कौन सा है? उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर सही सही देंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।